सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकें और ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अवनी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फेस सीरम के बारे में और मैं इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये सीरम हम लोग बनाएंगे साबूदाने की मदद से। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनने वाला है ये। जब आप खुद लगाएंगे ना, इसके फायदे आप खुद नोटिस करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि फेस सीरम क्या होता है और इसको लगाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, जो सीरम होता है वो ज़्यादातर लिक्विड या फिर जेल की फॉर्म में होता है। इसकी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और ये हमारी डीप लेयर तक बहुत आसानी से चला जाता है। और डीप लेयर में जाने के बाद ये हमारी स्किन को रिजुनेट करता है, अपनी स्किन पे काम करता है। इसको लगाने का सही तरीका क्या है कि फेस सीरम अपने स्किन को क्लीन करने के बाद लगाया जाता है और मॉइस्चराइज़र से पहले अप्लाई किया जाता है। कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किस तरीके से अप्लाई करें, कि मॉइस्चराइज़र पहले अप्लाई करें या फिर सीरम को अप्लाई करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो मॉइस्चराइज़र होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, क्रीमी बेस होता है। अब सोचिए कि जैसे हमने अपनी स्किन पर कोई भी थिक चीज़ अप्लाई कर ली अपने, उसके बाद हम कुछ भी अप्लाई करते रहें वो हमारी स्किन की अंदर तक जाएगा ही नहीं। तो क्यों ना हम लोग पहले उसको अप्लाई करें कि जो कि बहुत ज़्यादा थिन है और बहुत आराम से हमारी स्किन के अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पहले सीरम को अप्लाई करते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया जाता है। अब ये जो मैं सीरम बताने वाली हूँ ये हम लोग बनाएंगे साबूदाने की मदद से। अब इस साबूदाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे एक्ने और उनके निशान हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो बस आप ये फेस सीरम लगाएं और अपनी इस प्रॉब्लम को से छुटकारा पाएं। साबूदाना हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, क्लीन और क्लियर बनाता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन का कलर है वो निखर कर आता है और हमारे चेहरे पे एक स्मूथनेस आती है और एक ग्लो लेके आता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हो गई हैं तो झाइयों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखा कितने सारे फ़ायदे हैं इसके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको बनाने का तरीका क्या है और किस तरीके से हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पानी जिसको मैंने उबालना है। इसके अंदर हमें डालना है 2 चम्मच साबूदाना जिसको मैंने पहले से ही धो लिया है और धोने के बाद मैं ये जो साबूदाना है इसको ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम लगभग 1 या 2 मिनट के लिए उबालेंगे। उबालने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, 1 या 2 मिनट के अंदर ही इसमें जो जेल है वो निकलना शुरू हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, गैस बंद कर देनी है और हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर की मदद से यानी किसी छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे ताकि इसका जो जेल है वो अलग निकल जाए और उसको यूज़ में लेके आ सकें। अब क्या करना है दोस्तों, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और उसको हम अभी नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो ठंडा होने के बाद हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो ठंडा हो चुका है यहाँ पे, तो एक अलग से मैंने बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं 2 चम्मच साबूदाने का जो जेल है वो ले रही हूँ, 1 चम्मच मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच रोज़ वाटर गुलाब जल जिसको मैंने घर पर बनाया हुआ, इसलिए थोड़ा सा रेड लग रहा है। आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही साथ अब हम इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए ऐड करेंगे बादाम का तेल। आप यहाँ पे विटामिन ई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कम से कम 1 मिनट तक के लिए आपको इसे मिक्स करना होगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम फॉर्म में ये निकल कर आएगा। आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में आप इसको भर के रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर उठा कर रखना है। आप इसे चला सकते हैं 15 से 20 दिनों के लिए। आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस भी देता है। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए किसी भी फेस वॉश के का यूज़ करके। अब मैंने यहाँ पे टोनर का यूज़ किया है, मैंने रोज़ वाटर को टोनर की तरह से यूज़ किया है। अब इसको टोनर को अप्लाई करने के बाद हम ये सीरम अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो सीरम है ये ऑयली स्किन के लिए और ऑयली स्किन से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ जैसे कि मैं आपको लोगों को बताऊँ, ओपन पोर्स हो गया, एक्ने की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, स्पेशली जिनके छोटे छोटे से दाने निकलने हो जाते हैं शुरू आपके चेहरे पे, वो लोग इसको ज़रूर यूज़ करें। साथ ही आपकी स्किन से डेड सेल्स को दूर करेगा, आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगी और आप की स्किन पे जो ग्लो आएगा वो आप खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे इसको। तो दोस्तों, ये था हमारा साबूदाने का फेस सीरम जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखें। और साबूदाने से हम फेस मास्क भी बना सकते हैं अलग अलग तरीके के, और हम लोग बालों के लिए भी जो साबूदाना है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊँ
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मैं साबुदाने के फेस मास्क और हेयर मास्क भी ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी बहुत सारी और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में, कहीं पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से मुझे फ़ायदा मिलता है दोस्तों, और दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचती है। और चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।